आज हम लोग किया मोटर्स की गाड़ी किया SP2i के बारे में बात करने वाले हैं। किया मोटर्स एक हुंडई ओन्ड कंपनी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किया मोटर्स हुंडई के अंदर अपनी कंपनी चलाती है जैसे कि मारुति सुजुकी। किया मोटर्स एक बिल्कुल ही अलग कंपनी है। किया जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है वो भी हुंडई से बिल्कुल ही अलग है और किया की मैनेजमेंट टीम भी अलग है। इनफैक्ट इंडिया में किया मोटर्स ने 536 एकड़ एरिया में हुंडई से बिल्कुल ही अलग अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर चुका है। ये जो प्लांट है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक बिल्कुल ही अलग सेटअप बनाया हुआ है हुंडई के लिए। आपने कई हुंडई पार्ट्स में देखा होगा कि हुंडई किया लिखा होगा उसमें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किया शायद हुंडई के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स बनाएगी आंध्र प्रदेश के प्लांट में। किया मोटर्स जो सबसे पहले इंडिया में गाड़ी लॉन्च करने वाली है वो SP2i होगा और ये एक कॉम्पैक्ट SUV होगा। कॉम्पैक्ट SUV से मेरा मतलब ये एक सब 4 मीटर गाड़ी से ज़्यादा बड़ी होगी। ये गाड़ी टाटा की हैरियर, MG एक्टर, जीप कंपास जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। मगर इस गाड़ी का नाम SP2i नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ इस गाड़ी का कोड नेम है। इस गाड़ी का क्या नाम होगा ये किया ने अभी तक अनबिल्ड नहीं किया है। किया SP2i को सबसे पहली बार 2018 ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। किया मोटर्स ने पहले ही क्लैरिटी दे दिया था कि ऑटो एक्सपो में जो गाड़ी दिखाया गया था रियल में गाड़ी 80% सिमिलर रहने वाला है। मगर पहले ऑटो एक्सपो में जो गाड़ियाँ दिखाई जाती थी जब वो प्रोडक्शन मॉडल में मार्केट में लॉन्च होती थी तब वो मॉडल कॉन्सेप्ट गाड़ी से बहुत अलग दिखती थी। जैसे कि जो मारुति सियाज ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, जब वो गाड़ी प्रोडक्शन मॉडल में मार्केट में लॉन्च हुआ वो गाड़ी कॉन्सेप्ट गाड़ी से बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। किया मोटर्स का अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है उसमें 10% गाड़ियाँ इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप ऑटोकार एक्सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो फिर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीक किया मोटर्स ने SP2i का कुछ स्केचेस अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो इन स्केचेस और फोटो को देखने से ही लग रहा है कि किया SP2i का फ्रंट प्रोफाइल हुंडई वेन्यू की तरह रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हुंडई वेन्यू की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था SP2i का फ्रंट प्रोफाइल हुंडई वेन्यू की तरह रहने वाला है। तो इसका लाइटनिंग सेटअप भी वेन्यू की तरह रहने वाला है। तो इसमें सबसे ऊपर एक नया डिजाइन का DRL आपको मिलेगा और इससे नीचे आपको रिफ्लेक्टिव LED हेडलैम्प देखने को मिलता है जैसे कि आपको होंडा सिटी और ऑडी में मिलता है। अब ये जो सेटअप लोअर वेरिएंट में आएगा कि नहीं पता नहीं, मगर टॉप मॉडल में ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि लीक फोटो और स्केचेस को देखने से लग रहा है कि आपको SP2i में वर्टिकली माउंटेड फॉग लाइट्स मिलेंगे। अब चलिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे ORBM के नीचे आपको एक कैमरा दिख रहा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि किया के जो SP2i है उसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आने वाला है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे और इससे नीचे वाले मॉडल पे आपको सिर्फ फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। किया SP2i जून या फिर जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाली है। तो फिर चलिए किया SP2i के फीचर और इंटीरियर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसमें आपको 10.25 इंचेस का टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। जैसे कि हुंडई वेन्यू में कनेक्टेड कार फीचर मिलता था आपको, उसी तरह किया SP2i में भी आपको कनेक्टेड कार फीचर मिल जाएगा। तो इस गाड़ी के इंटीरियर के 3 स्केचेस हमारे पास है जिनमें से 2 सिमिलर है और एक थोड़ा अलग है। तो इन दोनों सेम स्केचेस को छोड़ के हमको ये तीसरा वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो तीसरा स्केच है उसको देखने से लग रहा है कि इसमें 4-व्हील ड्राइव, पेडल शिफ्टर, वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, हील असिस्ट जैसे कुछ फीचर मिलेंगे। इसके साथ ही अडॉप्टर क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो कि इस सेगमेंट में पहली बार किसी गाड़ी में आ रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये सब इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो आप चलिए इसके इंजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी है। जो पहला इंजन होगा वो 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन होगा जो कि 220 से 225 bhp का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा। और SP2i का जो दूसरा इंजन ऑप्शन होगा वो 1.5 लीटर डीजल इंजन होगा
जो कि 122 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। ये दोनों इंजन ऑप्शन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, और मेरे अनुमान से इस गाड़ी के सभी मॉडल में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग, ABS प्लस EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट जैसे कुछ सेफ्टी फीचर मिलेंगे। तो ये था कुछ जानकारी किया SP2i के बारे में। हमेशा गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऑटोकार एक्सपर्ट चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा।